प्रतापगढ़ में राम विवाह का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रतापगढ़ के सांसद ने जमकर डांस किया। राम भक्तों के साथ प्रतापगढ़ के सांसद संगम लाल गुप्ता भी जमकर झूमे। राम भक्तों के साथ सांसद भक्ति गानों पर थिरकते नजर आए। शहर के चौक में राम सीता विवाह के दौरान सांसद रहा नहीं गया और राम भक्तों को डांस करते देख सांसद भी राम भक्तों के बीच पहुंच गए, जिसके बाद देखते ही देखते सांसद भी भक्ति गाने पर झूमते हुए डांस करने लगे। इस दौरान राम विवाह देखने पहुंचे लोग भी सांसद का डांस देख उत्साहित हुए। करीब 15 मिनट तक सांसद राम भक्तों के बीच झूमते हुए डांस करते रहे। वहीं सांसद संगम लाल गुप्ता ने कहा कि राम भक्तों को डांस करते देख खुद को रोक नहीं पाए। राम विवाह के दौरान डांस करना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो हमें याद है जब हम बचपन में आया करते थे, जो हमें बचपन में याद है, जिसका मतलब है कि उसके पहले भी एक श्री राम का जो विवाह हो रहा है उसके पहले भी कई वर्षों से हो रहा है, क्योंकि हम अभी वही चर्चा कर रहे थे कि बचपन में हम भी देखने आते थे जब छोटे से थे, जो कि इस घड़ी का इंतजार पूरे शहर को रहता है, पूरे जिले को रहता है कि ये घड़ी साल भर में किस दिन आएगी। और ऐसा लगता है हम लोगों को कि हम जनकपुरी में हैं, इसमें ऐसा महसूस भी हम लोग कर रहे हैं। सांसद जी ने डांस भी किया और सांसद जी ने काफ़ी समय भी दिया, तो सांसद जी कैसा डांस करते हैं? देखिए, प्रभु श्री राम के विवाह में और माँ सीता के विवाह में सांसद क्या है, कोई भी डांस करेगा। इस पल में अपने आप को मैं रोक नहीं पाया और इस खुशी के पल में और इस मौके पर हमने इस खुशी का इजहार किया। और प्रभु श्री राम के विवाह के समय अगर डांस किया तो हमारा एक बड़ा सौभाग्य है। वहीं शहर में भव्यता के साथ रामलीला कमेटी ने राम बारात निकाली। हजारों शहरी राम भक्त बनकर राम बारात में शामिल हुए। राम सीता का विवाह हाइड्रेलिक के माध्यम से हवा में संपन्न हुआ। हवा में राम सीता का विवाह हजारों राम भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहा। राम विवाह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में प्रतापगढ़ सांसद संगम लाल गुप्ता ने शिरकत की। राम विवाह में धूमधाम से झांकी निकाली गई। इस दौरान बैंड, झांकी, संस्कृत कार्यक्रमों ने लोगों का मन मोह लिया। राम विवाह में जय श्री राम के नारे से पूरा शहर गूंजता रहा। पंजाब केसरी टीवी के लिए प्रतापगढ़ से ब्रिजेश मिश्रा की रिपोर्ट।